कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने सरकार को संकट से निकालने के लिए 70 लग्जरी गाड़ियां नीलाम कर दी है। करीब 30 खरब रुपए के उधार तले दबे पाकिस्तान ने अपने कर्जे को कम करने के लिए पीएम हाउस में खड़ी 102 कारें भी नीलाम करने की तैयारी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, नवाज शरीफ और उनके परिवार को दूध पिलाने वाली 8 भैंसों को भी बेचने की प्लानिंग की जा रही है। सरकार अन्य गैर जरूरी वाहन को भी हटाने की तैयारी में है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के काफिले में शामिल 4 हेलीकॉप्टर बेचने पर भी सरकार विचार कर रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर 30 खरब रुपए का कर्ज है, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। इस देश का खजाना फिलहाल पूरी तरह से खाली है। ऐसे में देश को आर्थिक आपातकाल से बचाने के लिए सरकार बेफिजूल के खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटी है। मुकेश गुप्ता, नवोदय टाइम्स।